नमस्कार दोस्तों, आप सभी में विराजमान परम पिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। अक्सर हमने जिंदगी में देखा है कि जो लोग पढ़ने में काफी होशियार होते हैं, अच्छे रैंक लाते हैं, वे जिंदगी में इतने ज्यादा सफल नहीं हो पाते, जबकि दूसरी ओर परीक्षा में फेल होने वाले, कम मार्क्स लाने वाले बिजनेस में बहुत ज्यादा सफल होते हैं। तो ऐसा क्यों? तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे और साथ ही सफलता के 3 मंत्रों की चर्चा करेंगे। तो पढ़ाई में होशियार व्यक्ति का उद्देश्य मात्र डिग्री लेकर के नौकरी पाने का होता है। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कभी दूसरे फील्ड में जाने की नहीं सोच सकता, एक डॉक्टर कभी भी कोई दूसरा बिजनेस करने की नहीं सोच सकता। यानी कि पढ़े लिखे व्यक्ति का स्कोप मर्यादित होता है, जबकि कम पढ़े लिखे या परीक्षा में फेल होने वाले व्यक्ति के लिए दुनिया के सारे रास्ते खुले होते हैं। ऐसे लोगों को कोई अच्छी सैलरी वाली नौकरी तो नहीं मिल सकती, ऐसे में इनका सारा झुकाव बिजनेस के प्रति होता है। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, धीरूभाई अंबानी, गौतम अदाणी, मार्क जुकरबर्ग कॉलेज के ड्रॉप आउट थे, इनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी और वही उनकी सफलता का कारण हो जाता है। दुनिया में यदि आपको बिजनेस में सफल होना हो तो कुछ उसके 4 मंत्र हैं। पहला है ईगोलेस। यदि आपके अंदर ईगो आ जाता है कि आई एम समथिंग, तो याद रखिए उस दिन से आपका पतन निश्चित है। याद रखिए, इस संसार में हर दूसरा आदमी आपसे किसी ना किसी मामले में आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसलिए दुनिया में वही व्यक्ति सफल होता है जो दूसरों की क्वालिटीज का सम्मान करता है और उनका उपयोग करना जानता है। एक सर्वे कहता है कि दुनिया में 70% इनोवेशन 3rd या 4th क्लास के कर्मचारियों ने किए थे। तो यदि आप सोचते हो कि आपने 3-पीस सूट पहना है, आप एसी वाली बड़ी कार में घूम रहे हो, आप एसी वाली ऑफिस में बैठते हो, महंगी कार चलाते हो, तो आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तो ऐसा सोचना आपकी एक भूल है। मर्सिडीज कार कंपनी ने पहली जीप बनाई, तो जब उसे गेट से बाहर निकाल रहे थे तो जीप की हाइट मर्सिडीज से ज्यादा होने के कारण गेट को टच कर रही थी। अब किसी भी इंजीनियर को यह याद नहीं रहा कि इस समस्या को कैसे सॉल्व किया जाए। सभी हैरान थे कि जीप को कैसे बाहर निकाला जाए। तो अंत में निर्णय किया गया कि गेट तोड़ देते हैं। गेट तोड़ने जा ही रहे थे कि एक सफाई कर्मचारी दौड़ा दौड़ा आया और बोला, ये क्या कर रहे हो आप, गेट तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, चारों व्हील में से हवा निकाल दो, जीप गेट के बाहर आए तो फिर से हवा भर दो। इतनी बड़ी समस्या का हल एक सफाई कर्मचारी ने दिया था। दूसरा एक उदाहरण है, जापान में एक साबुन बनाने वाली कंपनी के पास एक कस्टमर की शिकायत आई कि उनको जो साबुन का बॉक्स भेजा गया था वो खाली था। कंपनी के लिए एक प्रतिष्ठा का सवाल था। उन्होंने रिसर्च टीम को काम पर लगाया। 1 वर्ष की रिसर्च और एनालिसिस के बाद एक मशीन बनाई गई जो खाली बॉक्स को अलग करके रखती थी। मशीन बनाने का खर्च था $2,00,000 और एक आदमी को उस काम के लिए, उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए रखा गया था। दूसरी ओर एक दूसरी साबुन की कंपनी थी, उसके पास भी यही समस्या थी। तो उन्होंने मात्र ₹2,000 खर्च में इस समस्या का हल निकाल दिया। उन्होंने डिलीवरी बेल्ट पर एक भारी सा पंखा लगा दिया जिसकी तेज हवा से जो खाली बॉक्स थे अपने आप उड़ जाते थे, और कंपनी को यह सलाह भी एक तीसरे वर्ग के कर्मचारी ने दी थी। तो दोस्तों, अपने आप को श्रेष्ठ मानना, दूसरे को कमजोर मानना, यह हर फील्ड में आपको निष्फल बनाता है। इसलिए हर व्यक्ति का सम्मान कीजिए। सफलता का दूसरा मंत्र है ईश्वर में श्रद्धा। भगवत गीता का श्लोक है, कर्मण्येव बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी भगवान कृष्ण कहते हैं कि तेरा कर्म पर पूरा अधिकार है, फल पर नहीं, क्योंकि कर्म निकलता है हमारे जैसे तुच्छ मनुष्यों में से और उस कर्म का फल आता है समष्टि में से। इसे कर्म के फल पर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं होता। ईश्वर मनुष्य को वही देते हैं जो उस मनुष्य के लिए श्रेष्ठ है। इसे भगवान कृष्ण कहते हैं, मुझमें श्रद्धा रखे कर्म कर, तुझे अवश्य सफलता मिलेगी। जीवन में वही लोग सफल होते हैं जिनका IQ यानी कि इंटेलिजेंट क्वोशेंट भले ही कम हो, परंतु SQ यानी स्पिरिचुअल क्वोशेंट ऊंचा रहता है। ईश्वर में श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति कभी हिम्मत नहीं हारता। कार्ल गुस्ताव युंग दुनिया के एक महान मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने 60 वर्षों तक रिसर्च किया
हजारों मरीजों का इलाज किया, वो अपने संस्मरणों में लिखते हैं, मैंने हजारों पागल हताश लोगों का इलाज किया, लेकिन मुझे एक भी पेशेंट ऐसा नहीं मिला जिसकी ईश्वर में श्रद्धा हो और वो हताश हो जाए। इसे ईश्वर में श्रद्धा रखिए, और ईश्वर में श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति हर क्षेत्र में सफल होता है। सफलता का तीसरा मंत्र है, यू विल हैव टू रन, आपको दौड़ना पड़ेगा। दक्षिण अफ्रीका में एक कहावत है, व्हेन द सन राइज द स्लोएस्ट एंटेलोप हैज टू रन फास्टर देन द फास्टेस्ट लायन, एंड द स्लोएस्ट लायन हैज टू रन फास्टर देन एटलीस्ट द स्लोएस्ट एंटेलोप। यानी कि जब सूर्योदय होता है तो सबसे धीमे दौड़ने वाले हिरन को भी सबसे तेज दौड़ने वाले शेर से ज्यादा तेज दौड़ना पड़ता है, वरना उसका शिकार हो जाएगा। और सबसे धीमा दौड़ने वाले शेर को भी सबसे धीमे दौड़ने वाले हिरन से तो तेज दौड़ना ही पड़ता है, वरना वो भूखे मर जाएगा। यानी कि सूर्योदय होते ही आपको दौड़ना पड़ता है। और इसमें मैं एक लाइन एड करता हूं, वेदर यू आर अ लायन और अ डियर, यू विल हैव टू रन टू सर्वाइव। यानी आप चाहे आप शेर हो या हिरन हो, आपको जीना हो, सर्वाइव करना हो, सफल होना हो, तो दौड़ना ही पड़ेगा। इसलिए ईश्वर में श्रद्धा रखिए, निरंतर प्रयास करते रहिए, और दोस्तों मानिए कोई भी व्यक्ति मेहनत करने से कभी भी निष्फल नहीं जाता। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए वेरी नाइस डे।